दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज एपिसोड हम देखेंगे कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हुए DDLJ के आयरॉनिक लोकेशंस पे पहुंच सकते हैं और साथ ही साथ हम बिताएंगे कुछ यादगार पल इन बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे। ओके सो अब हमने हमारा लंच कर लिया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं गुस्टैड में। सो ये हमारे जो अपार्टमेंट है यहाँ से हम लोग जाएंगे इंटरलाकन वेस्ट और वहाँ से हम हमारी ट्रेन को कैच करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट आवर जर्नी आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे लोकल साइट सीइंग और ट्रांसपोर्टेशन के डिटेल के लिए आपके पास गूगल मैप और SBB ऐप का होना जरूरी है। SBB ऐप स्विट्जरलैंड के लोकल ट्रांसपोर्टेशन और उसके कॉस्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स आपको देता है। पर जब आप स्विट्जरलैंड पहुंचते हो तो यहाँ पर ज्यादातर बाहर के सिम काम नहीं करते। फिर इंटरनेट यूज करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो यहाँ के स्टेशन के पास वाले केओस से नया सिम खरीद लें, या फिर यहाँ के होटल्स और ट्रेन स्टेशन का वाईफाई यूज करते हुए SBB ऐप को कनेक्ट कर लें। स्विट्जरलैंड की अच्छी बात यह है कि यहाँ के ट्रेन स्टेशन पे आपको फ्री में वाईफाई अवेलेबल मिल जाता है। इंटरलाकन से जैनन पहुंचने के लिए हमें 3 ट्रेन चेंज करनी होगी जो कि है ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की जर्नी। क्योंकि हमें जैनन के एक स्टॉप पहले वाले स्टेशन गुस्टैड में उतरना है, हम सबसे पहले वहां चलेंगे। ये वही टाउन है जहां पे जरा सा झूम लू में ये वाला सॉन्ग शूट हुआ था। DDLJ के लोकेशन पे जो कि काफ़ी फेमस लोकेशन है स्विट्जरलैंड में, जो भी इंडियंस आते हैं यूजुअली इस लोकेशन पे ज़रूर जाते हैं। सो वहाँ पे जाते वक्त हमारी ट्रेन यहाँ से चेंज होने वाली है और मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ थोड़ा टाइम, 10-15 मिनट्स है मेरे पास और मुझे ये सीन काफ़ी अच्छा लगा। सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और आपको भी ये लोकेशन दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, सामने आप मेरे वैली देख सकते हो। इंटरलाकन से सैनन के बीच की जर्नी में ट्रेन की विंडो से स्विट्जरलैंड की जो खूबसूरती आपको देखने मिलती है उसे आप लफ्जों में नहीं बांध सकते, बस आप उसमें खो जाना पसंद करते हो। हमारी आखिरी कनेक्टिंग ट्रेन ज्विसमैन स्टेशन से है। ये वही स्टेशन है जहां पे इस मूवी के 2 पॉपुलर सीन्स की शूटिंग हुई है। ये कौन से 2 पॉपुलर सीन हैं और इस ट्रेन स्टेशन की क्या खासियत है ये हम वापसी में जानेंगे। चूंकि हमारे पास वक्त की कमी थी हमने गुस्टैड में गुजारे तकरीबन 30 मिनट और यहाँ के स्टेशन की बस पकड़ के हम पहुंचे जैनन में। तो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सैनन में और ये है रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ही 180 बस भी आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो सैनन बर्नहॉफ और थोड़ा सा ही आगे चल के देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सैनन में जो हमारे बॉलीवुड मूवी शॉट हुए हैं उसके बारे में डिटेल्स दी गई हैं। सो DDLJ इज वन ऑफ द फेमस मूवीज विच वॉज शॉट हियर और उसी के साथ मनीषा लांबा और रणबीर कपूर की मूवी जो थी बचना है हसीनों का भी यहाँ पे सीन शॉट हुआ था। सो ये कुछ डिटेल है और हम लोग यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा आगे और मेरे लेफ्ट में यही वो फेमस ब्रिज है जहाँ पे शाहरुख और काजल के बीच में पलट पलट वाला जो सीन था वो वहाँ पे शॉट हुआ था। आज अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखे, पलट। दोस्तों ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत और शांत है कि यहाँ पे बिताए गए हर एक पल में आपको सुकून आता है और मानो जैसे कि आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। और इसी ब्रिज के पास में है ये वाला रनवे जहाँ पे मूवी का ये वाला सीन शूट हुआ था।
और वहाँ पे आप दूर सामने माउंटेन देख सकते हो जो स्नो से कवर्ड है और काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं उसके ऊपर। और मेरे राइट साइड में रहा वो वाला चर्च जहाँ पे भी मूवी का शूटिंग हुआ था। अब हम इसके बाद उस चर्च में जाएंगे और अब हम यहाँ से चलेंगे इसके पास वाले चर्च में। इस चर्च की एक खासियत है कि जो मूवी में चर्च बाहर से दिखाया गया है वो यहाँ पे है, और जो सीन चर्च के अंदर शूट हुए हैं वो वाला चर्च है बर्न में। सो इस वक्त मुझे नहीं लगता ये चर्च खुला होगा, और ये सही भी नहीं होगा कि हम लोग अंदर जाएं, पर ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और आप देख सकते हो यहाँ से सामने पूरे माउंटेन्स और एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। सो काफी खूबसूरत चर्च है। चलिए देखते हैं ये चर्च के आसपास का माहौल कैसा है और ये चर्च कैसे दिखता है 360 में। यूरोपीय की बात की जाए तो यूरोप की खासियत यही है कि यहाँ के जितने भी सिटीज होते हैं, जितने भी विलेजेस होते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत चर्चेस। जो हाईलाइट होती है वो वहाँ के चर्चेस होते हैं। और यहाँ की एक और एक खासियत होती है कि यहाँ के चर्चेस की जो हाइट होती है वो सभी घरों से ऊंची होती है, और यूजुअली संडे का दिन छुट्टी होती है और सारे लोग चर्चेस में आते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे ज्विसमैन और वहाँ से हम लोग वापस जाएंगे इंटरलेकन। सो अब हमारी ट्रेन है 6:47 की। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ज्विसमैन रेलवे स्टेशन पे। आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। और लेट्स सी, यहाँ पे जो है मेरे बीच है थोड़ा सा, यहाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही शॉप है जहाँ पे शाहरुख खान शॉपिंग कर रहा होता है, और इस स्टेशन से जो है काजल की ट्रेन मिस होती है। फिलहाल तो ये शॉप जो है ये बंद है अनफॉर्चुनेटली, सो मैं यहाँ से कुछ भी सोवेनियर नहीं खरीद सकता हूँ। पर ये रहा आज का दिन, सेकेंड डे, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ सेकेंड डे था, पूरा डेडिकेटेड था ये DDLJ के लिए। और आई होप कि आपको भी ये सारे सीन और ये सारे लोकेशंस पसंद आए होंगे और ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस व्लॉग को लाइक करना ना भूलें। सो सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। Till the time, take care, bye, Allah Hafiz. So, कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की ट्रेन, और इस वक्त आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सब अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? अच्छा, मज़ेदार। और अनीना को ठंड लग गई। और मुझे ठंड लग गई।